अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के वैस्कुलर इवेंट्स। तो उसके इन्फ्लेमेशन के वैस्कुलर इवेंट्स पढ़ने से पहले हमें भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है क्या। तो इन्फ्लेमेशन हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लेमेशन एक ऐसा रिस्पॉन्स है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो कि इंजरी को अपोज करता है। डजेंट मैटर कि इंजरी किसकी वजह से आ रही है, उसका कॉज क्या है। सो अगर हम इसको रीड करें तो लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन इज ए रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टूवर्ड्स इंजरी रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द कॉज ऑफ इंजरी। कि हमें इंजरी से मकसद है, इंजरी का कॉज कोई भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने डेफिनेशन में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का वर्ड यूज़ किया है तो ऐसे टिश्यूज़ जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं हैं, क्या उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी? तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ नहीं हैं उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, लेकिन हमारी बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ हैं वो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ ही हैं। अच्छा, हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू, चाहे वो CNS का हो, किडनी का हो या स्किन हो, जो जब भी इनमें इंजरी डेवलप होगी तो हमारे पास क्या होगा, इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन आएगी। अब हम लोगों ने देख लेनी है कि टाइप्स ऑफ इंजरी कितनी तरह की हो सकती हैं। तो उसमें हमारे पास मैनी टाइप्स ऑफ इंजरी आ सकती हैं, जिसमें फिजिकल ट्रामा हो सकता है, केमिकल ट्रामा हो सकता है, माइक्रोबियल इन्वर्जन हो सकती है, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, या फिर रेडिएशंस का एक्सपोजर की वजह से हमारे पास इंजरी आ सकती है। ठीक है, तो इंजरी क्या हो सकती है, फिजिकल ट्रामा हो सकता है, केमिकल ट्रामा हो सकता है, माइक्रोबियल इन्वर्जन हो सकती है, या इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर किसी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हमारे पास इंजरी डेवलप हो सकती है। अब हमारा सवाल ये है कि टिश्यू इन्फ्लेमेशन में क्यों जाता है, नेचर ने ये प्रोसेस हमारे अंदर क्यों रखा हुआ है इन्फ्लेमेशन का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई टिश्यूज़ अंडरगो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक प्राइमरी रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिजम्स में, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स करता है किसके लिए, इंजरी के खिलाफ, रिपेयर प्रोसेस को। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज़ द डिफेंस अगेंस्ट द कॉज ऑफ इंजरी। क्या होता है कि हमारे पास अलॉट ऑफ बैक्टीरिया जब हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, हमें पता है उनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इन डेली बेसिस या फिर इन नॉर्मल कंडीशंस हमारे पास कभी भी हमें कोई किसी किस्म की भी इंजरी कॉज नहीं करते, किसी किस्म का भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। लेकिन जब भी अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा आ जाता है हमारी स्किन पे, और उसमें हमारे पास जैसे स्टेफिलोकोकस एरियस है तो ऑरियस है, तो ये हमारे पास अगर मूव कर जाता है उस इंजरी में, तो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, इन्फेक्शन के कॉज किस तरह करता है कि जब ये जाता है उसके अंदर, सेल के अंदर एंटर हो जाता है, तो फिर टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और फिर लोकल डैमेज करवाता है टिश्यू का, और जिसकी वजह से हमारे पास ये इन द एंड जो है वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है। अच्छा, रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन क्या होता है, या पर्पज़ ऑफ द इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हम लोगों को क्यों इन्फ्लेमेशन चाहिए होती है, नेचर ने ये प्रोसेस हमारे अंदर क्यों रखा है। तो ये क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के कुछ पर्पजेज़ हैं, उन पर्पजेज़ को मैंने RRNUW कहा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि R से हम लोगों ने क्या करवाना है कि जो इन्फ्लेमेशन का एक पर्पज़ ये है कि ये रिमूव करवा देती है हमारे पास कॉज ऑफ द इंजरी, कि किस वजह से इंजरी आई है उसको रिमूव करवाती है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करवाती है। ठीक है, और फिर वॉलिंग कर देती है सेल की। सेल की वॉलिंग करने का क्या मकसद है कि जो इन्फेक्शन है वो इस इंजरी के पार्ट से बियॉन्ड जो है वो फॉरवर्ड ना करे। और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि इसने डेड सेल्स को रिमूव कर देना होता है और रिकवरी के लिए एक पाथ बना देना होता है। डेड सेल्स को रिमूव करती है और रिकवरी करवाती है टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे कर पाता है इन्फ्लेमेशन में, ऐसे क्या प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारे हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, उधर का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जब मोर ब्लड आता है तो डिफेंस मैकेनिज्म्स भी ज़्यादा होते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कराते हैं। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स उस पार्ट पर ज़्यादा हो जाती हैं और ल्यूकोसाइट्स उधर ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेमेशन की, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है उसको कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ड्यूरेशन के डिफरेंस की वजह से इसको दो टाइप्स में चेंज किया हुआ है, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक।
ठीक है, इसको हमने दो दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन सी, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जैसे कि हम लोग पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ होगी उसका हम एक्यूट कहते हैं, और क्रॉनिक है जब वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जब रिस्पॉन्स करता है रैपिड और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। रैपिड मतलब जल्दी से इंजरी होने के फौरन बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एक्यूट, ये होती है रैपिड और ट्रांजिएंट। लेकिन अगर हम क्रॉनिक की बात करते हैं तो क्रॉनिक रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है। अब हमने बात की थी कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो हम सबसे पहले एक्यूट की बात करेंगे। तो एक्यूट जब भी इन्फ्लेमेशन होती है उसमें दो प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं, उसमें इन प्रोसेसेस में क्या है, वेस्कुलर चेंजेस आनी है और सेलुलर चेंजेस आनी है। तो हमने क्या पढ़नी है, अभी वेस्कुलर चेंजेस पढ़नी है, तो हम वेस्कुलर चेंजेस पर ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी टाइप की भी इंजरी होगी, ठीक है, किसी टाइप की भी सेल में इंजरी होगी, तो इन्फ्लेमेशन के कुछ साइंस होते हैं जो कि उस सेल में डेवलप हो जाते हैं। वो साइंस क्या होते हैं, पेन, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉलर। ये डॉलर वो पैसों वाला डॉलर नहीं है, ये डॉलर हम लोग पेन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडनेस हो जाती है। रेडनेस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रूबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो वाला उतना एरिया जहाँ पे इंजरी हुई है उतना एरिया क्या हो जाता है, वाम हो जाता है। वाम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को देखा होगा कि जब भी इंजरी होती है तो वहाँ पे वो हिस्सा स्वॉलन हो जाता है, और इसको हम क्या कह देते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये क्या है, ट्यूमर बन गया, इन्फ्लेमेटरी ट्यूमर। उसके बाद उतने हिस्से का फंक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल लॉसिया। ठीक है, आई डोंट नो इसके स्पेलिंग ठीक है या नहीं, लेकिन इसका फंक्शन लॉस या ही कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्डिनल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन की वो कौन से हैं, पेन जिसको हम क्या कहते हैं, डॉलर, रेडनेस जिसको हम कहते हैं, रूबर, वॉर्म कहते हैं, कॉलर को, स्वॉलन कहते हैं, ट्यूमर को, लॉस ऑफ फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल लॉस या। अच्छा, मैं इन सब के आपको रीजंस बताते जाऊंगी कि ये कैसे डेवलप होती है इन्फ्लेमेशन में, ये हम आगे जाके बताएंगे कि कैसे रेडनेस आ जाती है, कैसे वॉर्मनेस आ जाती है, कैसे वो स्वेल हो जाता है। तो ये हम लोग आगे ऑनवर्ड यही करने वाले हैं। सो अभी आपको इसके कार्डिनल साइंस बताना चाहिए, इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती चाहूँ कि चेंजेस आने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, टिश्यू का स्ट्रक्चर पता होगा तो मैं आपको चेंजेस जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाऊँगी। हमें पता होता है जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं, वो दो तरह के सेल्स में ज़रूर डिवाइड होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स। अच्छा, पैरेन्काइमल सेल्स क्या होते हैं और स्ट्रोमल सेल्स क्या होते हैं। फंक्शनल सेल्स किसी भी टिश्यू के, किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स। अच्छा, अब पैरेन्काइमल सेल्स की सपोर्ट के लिए कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल्स या ग्लाइल सेल्स। इसके आप एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास सीएनएस की अगर एग्जांपल लेते हैं, सीएनएस की, तो आपको पता है कि सीएनएस में हमारे पास पैरेन्काइमल सेल्स, उसके फंक्शनल सेल्स कौन से होंगे, न्यूरॉन्स। ठीक है, और उसके जो पैरेन्काइमल सेल्स होंगे उनको हम क्या कह देते हैं, न्यूरोग्लाइल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये मेरा बताने का आपको एक स्पेसिफिक मकसद था, जो कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी कि पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स का क्या रोल होता है टिश्यू में जब इन्फ्लेमेशन होनी होती है, तो इसका क्या रोल आता है, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद जब हमारे पास बैक्टीरिया किसी भी सेल के अंदर एंटर होता है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहाँ पे रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से डैमेज आता है हमारे पास पैरेन्काइमल सेल्स में, और एज वेल एज हमारे पास जो सपोर्टिंग सेल्स, स्टोमल सेल्स होते हैं उनमें भी। और फिर ये क्या करवाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स। ये मैं आपको अगर समझाती जाऊँ तो मैं आगे डायग्राम से आपको समझा देती हूँ, मे बी इट विल बी मोर इफेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, एक टिश्यू ड्रॉ किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखनी है, इन्फ्लेमेशन कैसे डेवलप होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये मैं आपको सबको बताऊंगी। तो ये मेरे पास एक टिश्यू है जो मैंने ये एक बाउंड्री की है, टिश्यू की बाउंड्री। तो ये सारी क्या हमारे पास ये जो ब्लू बाउंड्री है, ये सारे टिश्यू है, और ये जो मैंने पर्पल बाउंड्री ड्रॉ की है, ये मैंने इसके अंदर इसकी सर्कुलेशन यानी ब्लड सप्लाई बनाई हुई है। तो ये मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि कैसे हमारे पास क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं जब हमारे पास किसी सेल में इन्फ्लेमेशन आती है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, ये एक टिश्यू है, इसमें क्या हुआ है, इन्फेक्शन डेवलप हुआ। अब हम चेंजेस देखेंगे उसके ब्लड सप्लाई में, और ये क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई पैथोजन है, ठीक है, उसने क्या किया, टेयर यहाँ पर आ गया हमारे पास टिश्यू।